मुझे ये समझ नहीं आता, ये अपने आप को कहते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, कहे की बड़ी पार्टी हो तुम, एक मेयर के इलेक्शन में आकर ये गंदी हरकत कर रहे हो, कहे की बड़ी पार्टी हो। टायर बीजेपी इंडिया गठबंधन के हाथों अपनी हार को देखते हुए डर गई, बौखला गई और उस बच्चे जैसा बर्ताव कर रही है जो बच्चा गली क्रिकेट में आउट होने के बाद अपना बल्ला लेकर घर चले जाता है कि अब मैच नहीं। मेयर चोना ने चंडीगढ़ का सियासी पारा चढ़ाया होया, ते हाल फिलहाल दे लई चंडीगढ़ मेयर चोना टाल दित्तियां गईयां ने। जी हां, अज यानी कि 18 जनवरी 2024 नूं चंडीगढ़ दे विच मेयर चोना होण जा रहियां सन, लेकिन ठीक वक्त दे उपर चोना वाले दिन यानी कि अज प्रिजाइडिंग अफसर अचानक तो बीमार हो गए, जिस दे चलदियां चोना टाल दित्तियां गईयां। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस दे उम्मीदवार दे वल्लों पटीशन पाई गई ते इल्जाम लगाया गया कि जानबूझ के इन्हां चोणां नूं टालिया जा रहा है। मामले दे उपर सुनवाई होई है हाईकोर्ट दे विच, जिथे चंडीगढ़ प्रशासन ने मेयर चोणां दे लई 6 फरवरी की नवी तारीख सुझाई है, लेकिन दस्या जा रहा है कि अदालत दे विच जज साहिब दे वल्लों चंडीगढ़ प्रशासन नूं तिखे सवाल किए गए ने। पूछा गया है कि जेकर अज चोणां टालियां गईयां ने तां चोणां कल यानी कि 19 जनवरी नूं क्यों नहीं हो सकदियां। तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिले, लंबे समय तक अदालत दे विच सवाल जवाब होए ते जिस तों बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई 23 जनवरी तक टाल दिती है, यानी कि हुण इस मामले दे विच 23 जनवरी नूं दोबारा तो सुनवाई होवेगी ते हो सकदा है कि उस सुनवाई दौरान मेयर चोणां दी नवीं तारीख दा ऐलान कर दिता जावे। सो हाल फिलहाल दे लई अज जो कि 18 जनवरी नूं चंडीगढ़ दे विच मेयर चोणां होणियां सी ओह टल चुकियां ने। पिछले 30 घंटे में ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा फाइल की गई तीसरी पिटीशन थी। इन पिटीशंस को फाइल करने का एक ही मकसद है, इलेक्शन प्रोसेस को हाईजैक करना। पहली पिटीशन फाइल की गई, उन्होंने कहा कि उनके जो एक्स मेयर कैंडिडेट थे उनको चंडीगढ़ पुलिस ने इलीगली डिटेन किया। जब वो रिकॉर्ड में आते हैं और खुद स्टेटमेंट ये देते हैं कि जी मैंने खुद पुलिस प्रोटेक्शन मांगी थी और मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दी गई, सो आई एम नॉट इलीगली डिटेन्ड, कोर्ट ने उनकी पिटीशन को डिस्पोज कर दिया, खत्म कर दिया, डिसमिस किया, रादर नॉट डिस्पोज्ड। कल रात को वो दूसरी पिटीशन लेकर हाईकोर्ट में आते हैं और वो कहते हैं कि कोर्ट ऑब्जर्वर अपॉइंट किया जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट किया जाए। कोर्ट ने उनकी कोर्ट ऑब्जर्वर की जो प्रेयर थी उसको खारिज कर दिया और हमें ये कहा कि आप इन कैमरा प्रोसीडिंग्स करेंगे, पासिस इश्यू करेंगे। तो हमारी तरफ से कोर्ट को यही कहा गया कि जो भी कानून के अंदर प्रावधान है, द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वुड बी फॉलोड एंड दैट पिटीशन वाज डिस्पोज्ड ऑफ। आज उनके द्वारा फाइल की गई ये तीसरी पिटीशन थी। हालात चंडीगढ़ में पूरी मीडिया ने देखे हैं, पूरे देश भर ने देखे हैं, ये जो 15 और 16 तारीख को किस तरह से पंजाब पुलिस के लोग गन्स के साथ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में एंटर करते हैं, किस तरह से वो काउंसलर्स को इंटिमिडेट करते हैं, वो ध्यान में रखते हुए आज कुछ फैसले लिए गए। और वो फैसला लेने का कारण क्या था कि जो प्रिस्क्राइबिंग अथॉरिटी जो अपॉइंट किया था हमने, प्रिसाइडिंग अथॉरिटी जो हमने अपॉइंट की थी, वो बीमार हो जाते हैं। बीमार होते ही डीसी एक रिपोर्ट मांगता है पुलिस से कि जी क्या सिचुएशन, जो 15-16 के हालात चंडीगढ़ में हुए, क्या इलेक्शन हम करा सकते हैं। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है कि हालात खराब हैं और आज भी पंजाब पुलिस के लोग गन्स के साथ चंडीगढ़ में घूम रहे हैं। तो उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ इलेक्शन को डेफर किया गया है। देयर इज नो कैंसिलेशन ऑफ द इलेक्शन, इलेक्शन इज ऑलरेडी बीन डेफर्ड टिल 6th of February एंड दे विल बी कंडक्टेड ऑन 6th of February इटसेल्फ। उधर इस मामले नु लेके आम आदमी पार्टी ने भाजपा ते तिखा हमला बोलिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि अपनी हार नु वेखदियां होया भाजपा दे वल्लों चंडीगढ़ दे विच गैर जमहूरी कदम चुके जा रहे ने। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ दे इंचार्ज जरनैल सिंह ने पोस्ट कीती है। जरनैल सिंह दा कहना है कि जो लोग ए सोचदे ने कि भाजपा नूं हराउणा औखा है, ओह अज चंडीगढ़ दे विच भाजपा दी हालत नूं वेख लवे। जरनैल सिंह दा कहना है कि भाजपा हार तो इन्ना डर चुकी है कि ओह चंडीगढ़ दे विच चोणां रद्द करवाउण वर्गियां कोजियां चाला चल रही है। सो जरनैल सिंह होरा दे वल्लों भी ट्वीट किया गया। उत्थे ही आम आदमी पार्टी दे सांसद ते सीनियर आगू संदीप पाठक दी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। संदीप पाठक दे वल्लों भी एक्स ते पोस्ट किया गया। पाठक दा कहना है कि चंडीगढ़ दे विच भाजपा कोजियां चाला चल रही है, जेकर देश दे विच चोण प्रक्रिया इस तरह दी है तां बेहद ही निराशाजनक है। पाठक दा इल्जाम है
कि चंडीगढ़ दे विच भाजपा है जो उस सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये रूटीन में प्रैक्टिस है। मुझे तो लगता है कि इन्होंने पार्टी में इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया है कि कैसे चुनाव को मैनिपुलेट करके जीता जाए। आज 11 बजे चुनाव होना तय हुआ था और ये बड़ा स्पष्ट था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलाकर आप नंबर थे, पूरे नंबर थे, 20 के आसपास काउंसलर थे और भारतीय जनता पार्टी के पास इनके एमपी को मिलाकर लगभग 15 थे। ये बड़ा स्पष्ट और सीधा और सरल चुनाव होना चाहिए था, रूटीन का चुनाव होना चाहिए था। इन्होंने क्या किया, जब इनके पास नंबर नहीं थे ये इन्होंने देखा तो पूरे इलेक्शन को ये पोस्टपोन करने पे लग गए, किसी भी तरीके से इसको खराब करने पे लग गए। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को उनकी तबीयत खराब बता के उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा के पूरी चीजों को पोस्टपोन कर दिया। इतना ही नहीं, ये गुंडागर्दी से कई काउंसलर को अपने साथ धक्के से अलग से लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। वो तो शुक्र हो भगवान का कि बाकी काउंसलर थे वहां पे, तो उनको बचा लिए। तो इस तरीके की पूरी व्यवस्था सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके भाजपा चुनाव जीतना चाहती है। मुझे ये समझ नहीं आता, ये अपने आप को कहते हैं कि इतनी बड़ी पार्टी है, काहे की बड़ी पार्टी हो तुम, एक मेयर के इलेक्शन में आकर ये गंदी हरकत कर रहे हो, काहे की बड़ी पार्टी हो। तो जब इन सारी चीजों को देखते हैं तो कई बार मन में दुख होता है कि ऐसा तो देश नहीं बनाना चाहते हैं कि जब चुनाव इस तरीके से खरीद फरोख्त उठाना, बसों में लेके करना, ये करना, ये सब तो नहीं बनाना चाहते। भाजपा की देन इतिहास में लोग पढ़ेंगे, वो यही पढ़ेंगे कि हारे हुए चुनाव को जीत में बदलने के क्या क्या तरीके होते हैं, ये भाजपा के एसओपी में उनको मिलेगा। मेरा मानना है कि अभी भी इनको बाज आ जाना चाहिए। हम हाई कोर्ट में अभी अपील किए हैं इस मैटर को, तो कोर्ट इंटरवेंशन करेगी और नतीजे ठीक होंगे। देखिए, हम लोग सीधे सरल लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जो भी कानून के प्रावधान में है उसको फॉलो करके करेंगे। लेकिन ये भी बता दूं कि हम उन लोगों में नहीं है जो डर जाएंगे। इनको ये जिस लेवल तक जाएंगे उतनी दूर तक हम इनको फाइट करते करते लेके जाएंगे। नंबर हमारे पास है, चंडीगढ़ में मेयर इस बार आम आदमी पार्टी और इंडिया अलायंस के तहत ये बनेगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। इम्पोर्टेंट वो नहीं है, इम्पोर्टेंट आज ये है कि भाजपा एक मेयर के इलेक्शन में इस तरीके से उतर के बता रहे हैं कि सीधे सीधे ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं, यहाँ पर अफसर को डराया धमकाया जा रहा है। कई सारे अफसर यहाँ पे प्राइवेटली बता रहे हैं कि हमको सीधे ऊपर से ऑर्डर आ रहे हैं कि ये करो ये करो ये करो, ऐसे कैसे देश चलेगा। तो मेरा सिंपल सबमिशन ये है कि जनता देख रही है और चंडीगढ़ ने बड़े क्लियर तरीके से इस बारी वोट वर्डिक्ट जो दिया था कि बदलाव के लिए दिया था और चंडीगढ़ बदलाव डिजर्व करती है। जो आम आदमी पार्टी की मेयर यहां पे बनेंगे, मेयर बनते ही जितने भी प्रोमिसेज हमने किए थे वो सारे प्रोमिसेज लागू करेंगे। हाईकोर्ट ऑलरेडी जा चुके हैं, मेरे ख्याल से प्रोसेस शुरू हो गया होगा। कोर्ट से डायरेक्शन लेके आएंगे और चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी, हम तो चाहते हैं कि आज ही चुनाव हो। भाई अगर आज चुनाव डेजिग्नेटेड था तो आज चुनाव होना चाहिए। ऐसा क्या कर लिया बीजेपी, ऐसा क्या हो गया कि उसके सामने कोर्ट, चुनाव प्रक्रिया, इलेक्शन कमीशन, सारे बौने कैसे पड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी दे सीनियर लीडर ते सांसद राघव चड्ढा ने भी प्रतिक्रिया दी है। राघव चड्ढा का कहना है कि भाजपा नु लोकतंत्र फोबिया होया, यानी कि भाजपा लोकतंत्रिक ढंग दे नाल आजाद तरीके दे नाल निरपक्ष चोणां करवाउण तों भज रही है। राघव चड्ढा का कहना है कि आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस यानी कि अलायंस दा जो इंडिया गठजोड़ है उसकी जित इन्हां चोणां दे विच पक्की है, जिस जित तों भाजपा डरी हुई है। ये पहला मामला है, पहला मुकाबला है, ये बीजेपी इंडिया गठबंधन बनाम भाजपा का, और इस चुनावों में साफ तौर पे बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन के पास है। आप जानते हैं कि कुल मिलाकर 36 मतदान होने हैं, 36 में से 30 से अधिक वोट इंडिया के पास है और 14 से 15 वोट भाजपा के पास है। साफ तौर पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है, लेकिन अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक कायर बीजेपी चुनावों को रद्द कर रही है और गैर कानूनी हथकंडे अपना रही है। पहले इन लोगों ने सबसे पहले सेपरेट इलेक्शन को बीमार कर दिया, आज इन लोगों ने चुनाव में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको बीमार कर दिया। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी इंडिया गठबंधन को अपने सामने देख बीमार हो गई। और बीजेपी क्या मैसेज देना चाहती है?
जाती है इस देश में कि ये इस देश का लोकतंत्र क्या इतना कमजोर है कि जब बीजेपी चुनाव जीतने की स्थिति में होगी तो चुनाव होगा, लेकिन अगर भाजपा ये चुनाव हार रही है तो चुनाव नहीं होगा। क्या ये मैसेज देना चाहती है भाजपा? और मुझे ये कहने में रत्ती पर भी गुरेज नहीं है कि भाजपा की हालत उस बच्चे जैसी हो गई है जो जब एक गली के क्रिकेट मैच में आउट होता है तो अपना बल्ला लेकर चला जाता है, अपना बैट लेकर चला जाता है और कहता है कि अब मैच नहीं होने दूंगा मैं, अब गेम खत्म हो गई। इस देश को क्या नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है भाजपा कि चुनावी रद्द करा दिए जाए? ये बहुत खतरा है इस देश के लोकतंत्र को भाजपा से। और मैं आपको साफ तौर पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर ऐसे लड़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भाजपा इतनी बीमार हो जाए कि भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनावों से भी भागना पड़ जाए। आम आदमी पार्टी ये फैसला और कांग्रेस पार्टी, हम सब ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, कोर्ट में जाकर इंसाफ की, न्याय की गुहार लगाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि मेयर का चुनाव हो जिसमें साफ तौर पे इंडिया गठबंधन जीत रहा है और भाजपा हार रही है। अभी तो आप सोचिए कि ये छोटा सा चुनाव है मेयर का और इसमें इंडिया गठबंधन ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का क्या हश इंडिया गठबंधन और भारत की 135 करोड़ आबादी करेगी, आप सोच सकते हैं। देखिए हम आज भी इलेक्शन प्रशासन से यही विनती करेंगे कि अगर एक प्रिसाइडिंग अफसर बीमार हुए हैं तो आप दूसरा प्रिसाइडिंग अफसर नियुक्त कर दो, जिस मर्जी को चाहे नियुक्त कर दो, लेकिन चुनाव आज स्केड्यूल्ड थे, निर्धारित तारीख थी, आज चुनाव होना था। अगर आज चुनाव नहीं होता है और भाजपा पहले सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार करती है, फिर प्रिसाइडिंग अफसर को बीमार करती है, फिर इलेक्शन रद्द करती है, ये साफ दिखाता है कि एक कायर बीजेपी इंडिया गठबंधन के हाथों अपनी हार को देखते हुए डर गई, बौखला गई और उस बच्चे जैसा बर्ताव कर रही है जो बच्चा गली क्रिकेट में आउट होने के बाद अपना बल्ला लेकर घर चले जाता है कि अब मैच नहीं होगा। देखिए हम लोगों के पास आज इस इलेक्शन बिल्डिंग में जाने के लिए वैलिड पासेस थे, हम समय पर यहाँ पहुंचे, लेकिन ये बताया गया कि एंट्री बंद कर दी गई और एंट्री इसलिए बंद कर दी गई है क्योंकि प्रिसाइडिंग अफसर अचानक से बीमार पड़ गए। बताया जा रहा है कि प्रिसाइडिंग अफसर भी बेचारे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कोई अस्पताल उन्हें भर्ती नहीं कर रहा क्योंकि वो वास्तव में बीमार नहीं है। लेकिन ये हथकंडे हैं भाजपा के, ये दिखाता है कि भाजपा इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए और निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। मेरा आप सबके माध्यम से देश की जनता को भी निवेदन है कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें भी बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा से छुटकारा पाना जरूरी है। अगर भाजपा बनी रही तो वो एक एक कर सारे चुनाव रद्द कर देगी और भारत को नॉर्थ कोरिया बना देगी। देखिए ये आज जो चंडीगढ़ में हुआ ये झलकी है, भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनावों में भी हर संभव हथकंडा अपनाएगी, चुनावों को, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को, निष्पक्ष चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए। इसीलिए इस देश की 135 करोड़ जनता को साथ आना होगा, इंडिया गठबंधन को और मजबूत होना होगा और मजबूती से भाजपा का सामना करना होगा। बाकी बातचीत एक बार हाईकोर्ट का फैसला आ जाए उसके बाद करेंगे। ईवीएम मशीन में हाईकोर्ट ने गुहार लगाई है कि निष्पक्ष चुनाव हो और नए प्रिसाइडिंग अफसर आज ही नियुक्त किए जाएं ताकि आज ही निर्धारित जो डेट है उस पर चुनाव कराए। सो चंडीगढ़ मेयर चोना जो कि आज 18 जनवरी 2024 नू होनिया सी, हाल फिलहाल दे लई मामला अदालत दे विच है, सुनवाई हुई है मामले दे उपर, 23 जनवरी नू दोबारा तो सुनवाई होवेगी जिस दे विच नवी तारीख दा ऐलान कर दिता जाएगा। अज दे लई ये चोना टाल दित्तियां गईयां ने। इस संबंधी हर अपडेट दे लई
जुड़े रहो एबीपी साझे।